हाय दोस्तों, देखिए इसको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहा जाता है। ये ड्राइंग में जो जो पॉइंट कहाँ कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए ताकि आपको भी अपना घर में करते समय आसानी हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए ताकि आपको भी अच्छे अच्छे काम सिखा सके हम, और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। आपको देख लीजिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग का हमारे चैनल में, देख लीजिए हर एक कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। वायरिंग कैसे किया जाता है, पाइपिंग पूरा ए टू जेड हम लोग ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप देखिए अपना चैनल को देखते रहिए। देख लीजिए ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये स्टफ जो नज़र आ रहे हैं यहाँ से ऊपर आके, ये जो छत के ऊपर जो पॉइंट दिया गया हुआ है, ये कॉरिडर पॉइंट है ये। ये देख लीजिए अभी ये जो डोर है, डोर ओपन होता है इस तरह से, इस तरह वो डोर के बैक साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिया गया हुआ है। यहाँ से देख लीजिए ब्लैक लाइन्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, हर एक रूम का सर्किट दिया गया हुआ है, देख लीजिए इस तरह होता है। आपको आपको जैसे पसंद आता है उस तरह लगा सकते हैं हम लोग, ताकि स्लैब में दिखाए थे आपको थ्री वे बॉक्स लगा के लगाए हैं, इस तरह भी लगाया जाता है, उस तरह भी लगाया जाता है। ये जो फ़ैन के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, देख लीजिए फ़ैन पॉइंट्स है दोनों हॉल में, लिविंग रूम है ये, एक किचन है। किचन में देख लीजिए ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं 15 एम्स पॉइंट है, ये जो नज़र आ रहे हैं 5 एम्स पॉइंट है। स्विच बोर्ड यहाँ पर दिया गया हुआ है, डोर खुलते ही बैक से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ये पास में स्विच बोर्ड दिया गया होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए इस बेडरूम में, ये जो आपको नज़र आ रहा है बेड का पोजीशन, बस ड्राइंग में दिया गया होता है बेड का पोजीशन से, देख लीजिए 5.6 दिख रहा है, जो 5.6 में ये फ़ैन का पॉइंट रखा जाता है। ये इसका बोर्ड कैसे है 6 फीट में रखा जाता है ये वाला फ़ैन पॉइंट। इसी तरह इस बेडरूम में भी देख लीजिए 5.6, और इस कबोर्ड से 5.2 में रखा गया हुआ है। रूम का साइज़ के हिसाब से आपको दिया जाता है, देख लीजिए प्लाट का पूरा इस तरह से, और इस प्लाट में देख लीजिए ये जो दिया, इधर लिफ्ट आएगा, ये डोर दिया गया हुआ है, डोर इस तरफ ओपनिंग, ये हॉल में सेंटर में डोर ओपनिंग हो रहा है, उस चलते आपको ये कॉर्नर में दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये देख लीजिए दो फैन लगाया गया हुआ है इसमें भी, एक किचन के पॉइंट है, ये जो नज़र आ रहा है आपको चिमनी पॉइंट है, ये चिमनी का मार्क दिया गया हुआ है। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है वाटर यूरिफायर सिंक के पास दिया जाता है इसको। ये देख लीजिए बेडरूम में जो दिया गया हुआ फ़ैन पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, 5.6 में नज़र आ रहा है, जैसे 4.6 में बेड के सेंटर में ये फ़ैन पॉइंट दिया जाता है, ताकि कबोर्ड में कुछ आए ना, फ़ैन इधर उधर ना हो, बेड के ऊपर बराबर पॉइंट निकलेगा। इस रूम में भी देख लीजिए ये जो नज़र आ रहा है आपको 5.6 में, और इस तरफ से 4 फीट, और इसको सेंटर करते हुए इस तरह से फैन बॉक्स दिया गया हुआ है। इसी तरफ से आप देख लीजिए ये दो एरो मार्क नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स, ये जो होता है एरो मार्क 9 इंच का बीम है, ये जो 4 इंच का दीवार बनाया गया हुआ है, इधर दीवार देख लीजिए आउटसाइड गया हुआ है, इधर देख लीजिए आउटसाइड 9 इंच का दिया गया हुआ है। इसी तरह से दीवार देखते हुए आपको ड्रॉप रखना चाहिए इसको जंक्शन बॉक्स से, जो हम लोग ड्रॉप लगाते हैं उसको, देख लीजिए इधर में ये जो ड्रॉप दिख रहा है आपको, उधर बीम उधर तक आएगा लेकिन दीवार पीछे में, इस हिसाब से देख के आपको ड्रॉप्स रखना चाहिए। हर एक रूम में देख लीजिए इसी तरह दिया गया हुआ है, ये जो 9 इंच का ड्रॉप जितना भी 9 इंच का बीम है, ये जो दीवार बांधा हुआ है उसमें 6 इंचेस का बांधा हुआ है इस तरह। देख लीजिए अभी ये जो नज़र आ रहा है आपको दीवार, ये 6 इंचेस का दीवार है, ये जो बीम नीचे में नज़र आ रहा है 9 इंच का है पूरा, ये इतना दिया 9 इंच का बीम में 6 इंचेस का दीवार बांधा गया हुआ है। ऑलरेडी ड्राइंग में आपको दिखाता है इधर, ये जो बीम दिख रहा है नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा बीम से जो नज़र आ रहे हैं पूरा 9 इंच के बीम से है पूरा, और इसके अंदर जब ब्रिक वर्क बांधा जाएगा, जब ब्रिक वर्क बांधा जाएगा इस तरह से, देख लीजिए आरा मार्क जितना दिखाया हुआ है 9 इंच का है, ये 6 इंचेस का दीवार अभी जो नज़र आया आपको, ये 6 इंचेस का दीवार है पूरा, टोटल आउटसाइड 6 इंचेस का दीवार बनता है। 9 इंच का भी बना सकते हैं, 9 इंच का बनाओगे तो आपको बीम का पूरा क्लोज हो जाएगा, दिखेगा नहीं।
जो इन साइड अंदर अंदर में दिया गया हुआ है बीम, देख लीजिए आउट साइड आया हुआ है, अंदर में 4 इंचेस का दीवार दिया गया हुआ है। इसी तरह इस रूम में देख लीजिए, ये टॉयलेट के अंदर आ गया दीवार पूरा, बीम अब रूम में दिखेगा आपको, नज़र आएगा। देख लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, 6 इंचेस का दीवार दिया गया हुआ है, एक किचन का दीवार पर भी 4 इंचेस का दिया गया हुआ है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इधर नहीं रखा जा सकता है, अगर रखा जा सकता है पूरा ओपन हो जाएगा, ये 6 इंचेस में आपको पूरा ओपन करने का ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। ओके दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहे ताकि हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें आपको। देख लीजिए अभी बहुत वीडियो बना चुके हैं हम, आप अगर एंकरेज करोगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमको बनाने के लिए चांस मिलेगा, आपके पास लेके आएंगे अच्छे अच्छे वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर इसमें कुछ भी कमियाँ होती है तो आप ज़रूर हमको बताइए। धन्यवाद दोस्तों।